स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चों आज के वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और इसी तरीके से पूरे केमिस्ट्री के 30 वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज बन चुकी है और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। उसमें साथ में आपको 50 इंपॉर्टेंट MCQ भी मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आप जरूर क्लिक करके देखिए। दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर यू। So today we are going to discuss all the important questions of electrochemistry. Some of the very frequently asked questions are, जैसे कि आप देख सकते हैं, what do you mean by limiting molar conductivity? तो molar conductivity of a solution at infinite dilution. ये सब 1-1 marks के definition वाले question होते हैं और जहाँ पर बच्चे याद नहीं रखते हैं तो नंबर उनके कट जाते हैं और उसको हम इस तरीके से represent करते हैं। Next question, what is the effect of catalyst on Gibbs energy? एक्टिवेशन एनर्जी। सो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। यू कैन सी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन गिब्स एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है? द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट करता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सो यू कैन सी दिस conductivity divided by concentration is equal to molar conductivity. Next, what is the effect of adding a catalyst on activation energy gives free energy? अभी हमने देखा कि activation energy को lower down कर देता है catalyst और gives energy of a reaction. Catalyst does not alter gives energy. ये याद रखना, घुमा फिरा के बार बार पूछ सकते हैं। Then express the relation among cell constant. ठीक है, दिस इज योर सेल कॉन्स्टेंट एल बाई ए। देन रेजिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन इन अ सेल, कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन, एंड हाउ इज द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी। अब आप देख सकते हैं 1/r इंटू दिस 1/, ये 1 नहीं है, एल बाई ए विच इज कॉल्ड सेल कॉन्स्टेंट। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी होता है k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई c। देन chemistry of corrosion of iron is essentially an electrochemical phenomenon. Explain the reaction occurring during the corrosion of iron in atmosphere. आप सब जानते हैं corrosion जो होता है वो electrochemical theory के help से होती है। Rusting of iron जिसको कहते हैं। Cathode and anode पे क्या reaction होता है? Anode पे iron gets converted into Fe2+ और 2 electron release होते हैं in the aqueous medium. कैथोड पे वाटर इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। सो दिस H2CO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2H+ एंड CO2 2-। वाटर का उसी तरीके से H+ OH- के साथ इक्विलिब्रियम है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H बन जाता है। 4 हाइड्रोजन विथ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म्स 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो नेट ओवरऑल जो रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, वो इस तरीके से 2Fe+O2+4H+ गिव्स 2Fe+2 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड डेल्टा G इन द फॉलोइंग रिएक्शन। निकल प्लस Ag+ गिव्स निकल आयन एंड सिल्वर। यहाँ पर E0 की वैल्यू आपको दी हुई है 1.05 वोल्ट। 1 फैराडे की वैल्यू याद रखना 96,500 कॉलम पर मोल होता है। यहाँ गिवन है, अगर नहीं भी गिवन हो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE होता है। n नंबर ऑफ मोल्स होता है। F इज फैराडेज कांस्टेंट विच इज 96,500। ठीक है, एंड डेल्टा इज गिवन। सो आप वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। दिस इज जूल्स पर मोल। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। आर की वैल्यू जो होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो होती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर जो होता है स्टैंडर्ड जो होता है वो 298 होता है। ओके, सो हमें डिटरमाइन करना था यहाँ पर Kc की वैल्यू एंड डेल्टा जी। अब डेल्टा जी तो आपने निकाल लिया, अब Kc की वैल्यू निकालनी, इसलिए आर की वैल्यू हमको चाहिए। लॉग के जो होता है वो होता है डेल्टा जी बाई 2.303 RT। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉग के में आप क्या करोगे, डेल्टा जी की वैल्यू जो आई है वो डाल दिया 2.303। ठीक है, आर की वैल्यू याद रखेंगे एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी की वैल्यू है टेम्परेचर विच इज 298। अब सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको लॉग की वैल्यू मिल जाएगी। लॉग के इज 30 5.52, तो k की वैल्यू जो होगी एंटी लॉग ऑफ 35.52। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलैरिटी सॉल्यूशन of KCl at 298 Kelvin is given. Conductivity given है, you have to calculate molar conductivity. So this relation is also to be learned. Molar conductivity और conductivity में क्या relation है? तो molar conductivity is equal to 1000 into K by M. K की value यहाँ पर given है 0.025. This is given. Conductivity is K. M जो भी given है 0.2. And then हमें निकालना है molar conductivity. So putting the values, you will get the answer. Next, write the name of the cell which is generally used in hearing aid. Write the reaction taking place at anode and cathode of the cell. Generally hearing aid में जो cell use होता है वो था mercury cell, और anode में जो reaction होता है वो होता है zinc plus 2 hydroxide ions gives zinc oxide, water and 2 electrons. So this is the overall cathode का reaction अगर हम देखें तो HgO plus H2O plus 2 electrons gives Hg plus 2OH. Next question, write the name of the cell which is generally used in transistors. Transistor में use होता है dry cell. अब आपको लिखना अगर anode cathode की reaction, तो anode पे देख लो zinc gets converted into zinc ion और 2 electron release. Cathode पे MnO2 plus ammonium ion plus electron forms this MnOH and ammonia. Next question, write the name of the cell which is used in inverters. Inverter में use होता है lead storage battery. रिएक्शन अगर देखें तो एनोड पे होता है लेड प्लस सल्फेट आयन फॉर्म्स लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे होता है PbO2 सल्फेट प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स PbSO4 एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन सेल्स लेड स्टोरेज सेल, मर्क्यूरी सेल, फ्यूल सेल एंड ड्राई सेल, यू हैव टू आंसर दिस। ये आपको याद हो ही जाएगा। हियरिंग एड में यूज होता है मर्क्यूरी सेल। स्पेस अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो सेल यूज हुआ है उसको कहते हैं फ्यूल सेल। ऑटोमोबाइल इन्वर्टर में यूज होता है लेड स्टोरेज। एंड विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, वो होता है हमारा ड्राई सेल। व्हाट हैपेंस इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर एक्सटर्नल ई की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए, सेल स्टार्ट्स एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। In this case, electrical energy is used to carry out non-spontaneous chemical reaction. Next question, using the value, that is E naught की value given है, values of A and B, predict which one is better. E naught of iron 2 plus 2 iron given है -0.444 to prevent the corrosion. Given है यहाँ पर E naught A2 A plus given है -2.37 volt, और B से बी आयन से बी का दिया हुआ है -0.14 वोल्ट। अब हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज अ बेटर वन टू प्रिवेंट कोरोजन। ए इज बेटर। आप ए की पोटेंशियल देख लो -2 है समथिंग है, क्योंकि ए विल प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, सो वी कैन कोट द आयरन सरफेस विथ मेटल ए बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू है ये ज़्यादा है नेगेटिव में, इसीलिए। ओके, व्हाट इज द चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर गैल्वेनिक सेल? फॉर गैल्वेनिक सेल क्या होता है, फ्री एनर्जी डिक्रीजेज, यानी कि डेल्टा जी इज नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए क्या होता है, डेल्टा जी इज पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। रोल ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल। ZnCl2 कंबाइंस विद अमोनिया प्रोड्यूस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। दिस Zn अमोनियम आयन, अमोनियम जो है NH3 होल ट्वाइस Cl2. Otherwise, the pressure developed due to ammonia would crack the seal. इसीलिए ये combined form में रहता है। Next, why is it not possible to measure the voltage of isolated half reaction? हम कभी भी half reaction का voltage measure नहीं करते ना, तो it is not possible and this is why this is an important question. क्यों नहीं करते हैं isolated cell का? Because neither the oxidation nor reduction can occur by itself. Therefore, we can calculate only the relative electrode potential by connecting it with some standard electrode. कोई standard electrode होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो तो प्लेटिनम हो, तो हम compare कर सकते हैं ना कि ऑक्सीडेशन होगा इसके कंपैरिजन में या रिडक्शन होगा। इसीलिए आइसोलेशन में हाफ सेल की वैल्यू नहीं निकाली जाती है। इफेक्ट ऑफ CO2 इन वाटर ऑन कोरोजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में प्रेजेंट होता है, दैट इंक्रीजेज द रस्टिंग। Water containing CO2 acts as an electrolyte and increases the flow of electrons from one place to another. Next, why does a dry cell become dead after a long time even if it has not been used? ऐसा आपने कभी देखा होगा कि ड्राई सेल यूज नहीं किया लेकिन वो अब काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ड्राई सेल बहुत लंबे समय के बाद इट बिकम्स एसिडिक यानी कि अमोनियम क्लोराइड कोरोड्स द जिंक कंटेनर. Why does the cell potential of mercury remains constant throughout its life? मरकरी का सेल पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों रहता है? तो ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. इस कारण से मरकरी सेल्स जो है उनका सेल कांस्टेंट रहता है. The E naught value of MnO4 minus Ce4+ and Cl2 are given. E naught की वैल्यू दी हुई है, अब हमें अरेंज करना है. Increasing strength as oxidizing agent. Oxidizing agent सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है 1.61, which is cerium, C4+. तो सबसे ज़्यादा इसकी हो गई वैल्यू. देन MnO2 और Cl2 में आप देख लो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हायर जो है वो है 1.5. तो MnO4 माइनस सबसे कम वैल्यू है Cl2 की. तो इस तरीके से हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. मोर द वैल्यू हायर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट इज द यूज ऑफ प्लैटिनम फॉइल इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? प्लैटिनम फॉइल क्या करता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में? इट इज यूज्ड फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन or when the concentration approaches zero. Next question, express the relation among conductivity of a solution in a cell, cell constant and resistance. So आप देख सकते K is equal to delta G into 1/R. K है conductivity, G cell constant and R is the resistance. So conductivity is equal to cell constant divided by resistance. ये छोटे छोटे formulas हैं, exam में आते भी हैं. Is it safe to stir 1 molar silver nitride solution with a copper spoon? E naught value जो है Ag+ Ag की है वो है 0.8 वोल्ट और कॉपर की है 0.34 वोल्ट. तो कॉपर स्पून विल, हमें यहाँ पे क्या बताना होगा कि क्या हम कॉपर स्पून से स्टर कर सकते हैं इसको या नहीं. कॉपर की वैल्यू जो है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू सिल्वर. तो आंसर इज नो. कॉपर स्पून विल डिजोल्व एज कॉपर आयन and becomes copper iron because the copper has more tendency to get oxidized than silver. EMF of the cell यहाँ पे जिंक का फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है, प्लैटिनम की दी हुई है EMF 0.76 वोल्ट. सो हमसे पूछा जा रहा है what is the electrode potential of zinc? तो E of the cell जो होता है वो generally हम क्या लिखते हैं Er - El. ठीक है. सो R में है हमारा H+ और L में है जिंक. तो हमारे पास E की वैल्यू गिवन है. हाइड्रोजन के लिए E नॉट की वैल्यू 0 होती है तो अपने आप जिंक की भी क्या हो गई, वही वैल्यू हो गई माइनस में. व्हाट इज द राइट रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज एंड EMF? दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE और फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT लॉग KC. ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, गिव द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स. मोलर कंडक्टिविटी की होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. ये सब याद रखेंगे आप, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मार्क्स मिल जाते हैं. What is the effect of decreasing concentration on molar conductivity of a weak electrolyte? So with decreasing concentration of weak electrolyte, the molar conductivity also increases. Then next question is the conductivity of 0.2 molarity KCl solution at 298 Kelvin is 0.025 s per centimeter. Calculate its molar conductivity. Molar conductivity का formula आपको पता है. Molar conductivity is equal to K into 1000 by C. K की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 0.025. C की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी गिवन है. जस्ट पुट इट हियर एंड यू विल गेट द आंसर. तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसको अच्छे से कर लीजिए और जो पूरे की पूरे बुक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं वो बना दी गई हैं, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।